हूँ श्रेया। मैं हूँ शुभी। और हम आपके लिए लेकर आए हैं रिव्यूज बाय श्रेया एंड शुभी। और आज जो हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं वो है एक ऑयल डिफ्यूज़र का। सो काफ़ी टाइम पहले मेरे पास एक ऑयल डिफ्यूज़र था जो कि हमारी शुभी शर्मा ने तोड़ दिया था। वो ऑयल डिफ्यूज़र एक इलेक्ट्रिक ऑयल डिफ्यूज़र था। इस बार जो ऑयल डिफ्यूज़र मैंने लिया है वो इलेक्ट्रिक नहीं है, इट्स नॉन इलेक्ट्रिक ऑयल डिफ्यूज़र। एंड होपफुली वो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है वो आपको साथ के साथ पता चलती रहे। ओके देन लेट्स वॉच द रिव्यू। सो ये है हमारे पास डिफ्यूज़र। अभी क्या आप इसको एक बार निकालेंगे प्लीज़? फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक डिफ्यूज़र है। हम इसके साथ एक कैंडल मिली है एंड ऑयल भी मिला है। साथ ही में हमें ये एक कार्ड भी मिला है फ्रॉम इन सॉफ्ट होम डेकोर। इफ़ यू लाइक आर प्रोडक्ट प्लीज़ ड्रॉप अ रिव्यू एंड रिसीव 50 पेटीएम रिवॉर्ड। वेल आई डोंट नो वो लोग ये ऐसे कैसे करने वाले हैं कि मुझे 50 पेटीएम रिवॉर्ड देंगे, बट मैं ऐसे रिव्यू नहीं डालना चाहती जिसके लिए मुझे इस टाइप से पैसे मिले। सो आई एम फर्स्ट गोइंग टू यूज़ इट एंड देन सी। अगर अच्छा लगा तो रिव्यू ज़रूर आएगा, चाहे 50 रुपये आए ना आए। अभी तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें हल्का सा क्रैक है, लेकिन क्योंकि इसको लिए हुए हमें 10 डेज हो चुके हैं तो वी कैन नॉट पुट अ रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट फॉर दिस। सो वी आर गोइंग टू डू विद दिस। एंड सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप अमेज़ोन से लें तो उसका रिटर्न पॉलिसी ज़रूर देख के लें। कई प्रोडक्ट्स जैसे कि क्लोथिंग से रिलेटेड जो होते हैं उनका रिटर्न डेट आपके पास 30 डेज़ के लिए होता है, बट ऐसे प्रोडक्ट्स का रिटर्न डेट इज़ 10 डेज़। देन इलेक्ट्रॉनिक्स में देखें तो वो रिटर्नेबल नहीं होते हैं। इट कैन ओनली बी रिप्लेस्ड If you give them a proof that yes, there is some defect in this thing, that is why it's been replaced. So, अभी मैं इसको open करके आपको दिखाऊंगी। So, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा diffuser है। And actually तो देखिए इस तरफ से broken ज़रूर है, broken भी नहीं कहूँगी मैं, हल्का सा निशान है। एंड यहाँ आगे से इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा। सो ठीक है, आई मीन आई कैन यूज़ इट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट। एज लॉन्ग एज इट सर्व्स इट्स पर्पज़ आई डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। सो ये मुझे सिर्फ 99 का पड़ा है। ऑल दो ये मेरे पिछले वाले डिफ्यूज़र से बहुत छोटा है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट मेरी फिंगर्स के बराबर है। एंड मेरा जो लास्ट डिफ्यूज़र था वो मुझे 250 का था, लेकिन इट वॉज़ एज लॉन्ग एज माई हैंड ओनली। देन हमारे पास एज लॉन्ग एज मेरा काम हो जाएगा मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। सो ये हमें एक टी लाइट कैंडल मिली है इसके साथ। मैं अभी के लिए इसको रखने वाली हूँ, बाद में मेरे पास दिवाली के बचे हुए दिए बहुत सारे हैं, छोटे छोटे दिए। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको ही यूज़ करके देखूँगी। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हम इसको यहाँ पर आराम से रख सकते हैं। यू हैव टू पुट सम वाटर हियर एंड उसमें एक दो ड्रॉप्स ही इसकी बहुत होती है। सो ये आराम से आपका 20-30 डेज चल सकता है ये। तो ये है हमारा लेमन का एसेंस। मेरे पास लेमन ग्रास भी है एंड देन मेरे पास लेवेंडर भी है। सो आप भी वो अलग से मंगवा सकते हैं, अगर आप किसी को पर्सनली जानते हैं तो उनसे भी ले सकते हैं। ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्रोडक्ट। रात को चलाते वक्त जो इसकी इमेज आएगी वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर ऐड करके दिखाऊंगी। इस प्रोडक्ट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इफ़ यू लाइक इट यू कैन बाय इट एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको इसकी रात को ज़रूर एक बार लगा के इसको ज़रूर दिखाऊंगी, तो मैंने इन तीनों चीज़ों को इसके बॉक्स से बाहर निकाल दिया है एंड अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके भरूंगी इस तरीके से। मुझे थोड़ा ज़्यादा गिर गया है बट इट्स ओके।
मुझे मतलब आप जब इसे यूज़ करें तो एक दो ड्रॉप से ज़्यादा हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड नाउ टू सी द इफेक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी रोशनी थोड़ी कम ही है, सो मैं 99 के हिसाब से इट्स नॉट अ गुड बाय। सो आई बिलीव अगर आप कभी ख़रीदने जाते हैं डिफ्यूज़र, तो आपको एक इलेक्ट्रिक डिफ्यूज़र आता है जो कि आपके एक हैंड के लेंथ के बराबर होता है, वो लें, वो ज़्यादा बेटर है। इससे उसकी रोशनी भी ज़्यादा बेटर है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी। सो ये मेरे लिए थोड़ा वेस्ट हो गया है क्योंकि ये इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं दे रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं इट्स डार्क एवरीवेयर एल्स। बट डिफ्यूज़र के हिसाब से मैं इसे ठीक कहूँगी, रीज़न बीइंग के अभी ही मैं इसकी फ्रेग्रेंस को स्मेल कर सकती हूँ। एंड डिफ्यूज़र के हिसाब से ठीक है, बट जो एक रोशनी आती है ऑयल डिफ्यूज़र की, ये उतनी नहीं दे पा रहा है। सो अगर आप लेना चाहें तो प्लीज़ इस छोटे वाले को ना लेके बड़े वाला लें, वो ज़्यादा बेटर है। सो अभी तो मैं जब तक ये चलेगा तब तक इसी से काम चलाऊंगी, बट होपफुली सून मैं आपके लिए बड़े वाले का रिव्यू भी लेकर आऊंगी। सो टिल देन बाय बाय, टेक बाय केयर। बाय बाय बाय। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। वी वॉन्ट दीज, वी नीड दिस। एंड टू गेट मोर वीडियोज़ फॉर यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, योर फैमिली मेम्बर्स। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।